और अब आपको सीधे झारखंड लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि हमें अपने मजदूरों को लाने का परमिशन दो, नहीं तो हम अन्यथा किसी भी तरीके से अपने मजदूरों को लाने पर मजबूर होंगे। तब जाकर के हवा जहाज से, ट्रेन से, बस से, जीप से लाद लाद के मजदूरों को हम लोगों ने घर पहुंचाने का काम किया। और इतनी बड़ी महामारी में भी जब पूर्व की सरकार में लोग, जब कोई जीवन सामान्य था उसमें लोग भूख से मरे, लेकिन इतना बड़ा महामारी हुआ, अगल बगल राज्य में जानवरों की तरह लोग मरने लगे, लेकिन हमने अपने राज्य में एक भी मजदूरों को, एक भी लोगों को भूख से मरने नहीं दिया। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दिन रात सरकार की नजरें पूरे राज्य के गांव, पंचायत, टोलों में रहता था। हमारा मंत्री, विधायक लोग इधर उधर लोगों के बीच में रहता था और नतीजा ये हुआ, इस कोरोना में इस राज्य की जनता को तो हम लोगों ने बचा लिया, लेकिन इस दौरान हमारे दो दो मंत्री बेचारे मारे गए। कोरोना ने उनको निगल लिया, एक हाजी हुसैन अंसारी साहब और एक हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो जी। खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी, ये कोरोना का धुंध बादल हटा। जैसे बादल हटा, हम लोगों का सरकार का बनाया योजना आपके दरवाजे में पहुंचकर, आपको खटखटाकर आपके लिए समस्याओं का समाधान में जुट गया। पहले का समस्या, दूसरे शिविर की समस्या इतनी बड़ी थी कि हम लोगों को समझ में नहीं आया कि इस काम को कहां से शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने सिलसिलेवार सबको बनाया कि कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में, एक दो तीन चार पांच करके लंबा फहरिस्त बना हुआ है। अभी भी एक एक करके हम लोग समस्या को समाधान कर रहे हैं। और पहला शिविर का परिणाम ये हुआ, जहां हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो इस राज के लिए लड़ते मरते रहे, इस राज को अलग करने में अपनी बड़ी बड़ी लंबी आंदोलन में जुटे रहे, आज बुजुर्ग अवस्था में अपना दो वक्त के अनाज के लिए इधर उधर, कोई राशन कार्ड बनाने के लिए भटक रहा है, कोई पेंशन के लिए भटक रहा है। 80-90 साल हुआ, ना राशन मिला ना पेंशन मिला। हमने नियम बना दिया कि अब इस राज का जितना भी 60 साल का बुजुर्ग है, सभी बुजुर्गों को हम पेंशन देंगे, उसके लिए कोई आधार कार्ड का जरूरत नहीं। आज आप लोग गांव में टॉर्च लगा करके भी 60 साल से अधिक बुजुर्गों को, महिला हो पुरुष हो, आप खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। पहले दलालों का चक्कर और कई सारे हुज्जतों के बाद भी पेंशन नहीं मिलता था, वही हाल हमारी विधवा महिलाओं का था। आज जिस तरीके से हम लोगों ने उनको सहारा देने का प्रयास किया है, क्या पहले गांव में एक दो तीन महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिलता था, 40 साल 50 साल होने के बाद पेंशन मिलता था। भगवान ना करे कोई विधवा महिलाएं हो, लेकिन कुदरत कभी भी कोई किसी के साथ घटना कर सकता है, कभी भी लोग महिलाएं विधवा हो सकती हैं, शादी के 6 महीने के बाद भी और शादी के 60 साल बाद भी। तो हमने ये निर्णय लिया कि इस राज में शादी होने के बाद जिस दिन भी विधवा होगी महिला, उसी दिन से उसको पेंशन देने का काम किया जाएगा, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 18 साल की महिला हो, चाहे वो 88 साल की महिला हो, सभी को पेंशन। विकलांगों का भी वही हाल, अब सभी विकलांगों को पेंशन हम लोगों ने देने का कानून बनाया, ये पहला पड़ाव। उसके बाद गरीबी इस राज्य में इतना अधिक है कि घर में 3-4 बच्चे हैं, अगर उसमें 2 बेटी है तो मां बाप लोग
सातवां आठवां पास करता नहीं है हमारी बच्चियां, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। बड़ा अजीब हालत है। और करेगा भी क्या बेचारा, वो बूढ़ा माँ बाप, गरीब माँ बाप, वो सोचता है कि चलो शादी ब्याह करके छुट्टी कर ले। तो हम उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि बेटियां बोझ नहीं बनेगी, हमने शुरू कर दी है इनके लिए कार्य योजना तैयार। इसका पहला पड़ाव सावित्री बाई फूले योजना हमने बच्चियों के लिए लाया है। और अब हमारी बेटियां बोझ नहीं बनेंगी, अब ये बेटियां इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बनेगी, उसका पूरा तैयारी हमने आपके लिए कर दिया है। अब आपको बच्चों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने दो बेटियों के लिए सावित्री बाई फुले योजना चलाया था, लेकिन हमने जब बाद में इस अभी लगभग 5-6 हजार और शिविरें लगनी है अलग अलग पंचायतों में, हम तो 18-19 जगह ही मात्र जा सके, अभी तो और लगेंगे, 29 तारीख तक ये चलेगा। और ये जो सावित्री बाई फूले योजना है, अब हमने इसमें संशोधन किया है, अगर घर में 3 बेटी भी है, 4 बेटी भी है, 5 बेटी भी है, तो सभी बेटियों को सावित्री बाई फूले योजना देंगे। और जब ये 10वां 11वां 12वां में जाएगी तो उसमें गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी इनको देंगे, और गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको पता है कि डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाने के लिए कितना खर्चा होता है, कहीं 5 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं